राधा अहित, राधा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ राधा, तुम बहुत व्यथित लग रही हो। कहीं कृष्ण ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। राधा, इस घने वन में तुम इस समय मुझे क्या दिखाओगी? तुम घर चलो पहले। एक बार मेरे साथ चलो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। चलो। कान्हा, जो कुछ भी करना है शीघ्र करो। तुम्हें और राधा को ढूंढते हुए सारा गोकुल और बरसाना यहाँ पहुंचा है। आप ही कोई युक्ति लगाइए दाऊ, अभी तो केवल वचन पूर्ति हुई है, प्रेम लीला अब भी शेष है। तो इस बंजर भूमि को, इतना मनोरम और सुंदर वन, इस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से बनाया है। हाँ अयन, विश्वास करो मेरा। नहीं नहीं बड़े भैया, मेरा विश्वास करो। नहीं अयन, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है। सत्य नहीं है, स्वप्न है। राधा ने कोई बुरा स्वप्न देख लिया था बड़े भैया। मैं आपको बताता हूं, सिद्ध करके दिखाता हूं आपको। राधा राधा बड़े भैया को बताओ बताओ, तुम मूर्छित हुई थी या नहीं? हाँ हुई थी मैं मूर्छित। देखिए देखिए, स्वयं अपनी आंखों से देखा इसे उस भूमि पर वो वन बनाते हुए। अब तुम बताओ किस पर विश्वास करोगे, इस कल के आए मायावी कृष्ण पर या अपनी बचपन की सखी पर? मेरा विश्वास करो अयन, मैं जो कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सत्य है। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, इसने स्वप्न देखा था। बस कृष्ण, अब तुम मौन ही रहो। राधा, ये तो फिर भी कृष्ण, कि तो आज यदि इसके स्थान पर स्वयं ईश्वर भी होते तो भी मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारी बात पर विश्वास करता। और अब तुम मुझे बताओगे कृष्ण, कि ये बंजर धरती जो मैं इतने वर्षों से सूखी देखते आ रहा हूं, वो अचानक एक वन में कैसे परिवर्तित हो गई? तुमने अवश्य किसी छल किसी माया का प्रयोग किया है कृष्ण। जिस प्रकार हथेली पर सरसों उगाना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार एक बंजर धरती को एक सुमधुर वन में परिवर्तित करना असंभव है। तो बताओ कृष्ण, कैसे किया तुमने? नहीं नहीं बड़े भैया, आप भी कैसे कैसे आरोप लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ईश्वर की रचना है। मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूं। ग्वाला? अब तक मैं इतना तो अवश्य समझ गया हूं कृष्ण, कि तुम चाहे जो भी हो, एक साधारण ग्वाले तो कदापि नहीं।
और राधा, आज चाहे जो भी हो जाए तुम मुझे नहीं रोकोगे। आज मैं अपने बल से इस कृष्ण के छल का रहस्य अवश्य ज्ञात करके रहूंगा। आज मैं सच में आयन को नहीं रोकूंगी कृष्ण। आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहे। बहुत सही तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी धूर्तता। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, आप मुझे मार दे तो मैं मर जाऊंगा। बड़े भैया रुक जाइए ना, इससे श्रेष्ठ ये होता कि भगुला मुझे खा जाता। आपके हाथों से मैं पीड़ा नहीं सह सकता। रुक जाइए ना बड़े भैया। आप सीधी तरह से सत्य बता दो कृष्ण, अन्यथा आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। जैसे अब बोले वाले ग्वाले पर दया कीजिए आप बड़े भैया, दया कीजिए। आप मेरा भोला मुख तो देखिए ना। आप कहाँ शस्त्र विद्या में धनी, मैं कहाँ, मुझे केवल बांसुरी बजाना आता है। और आप बोलोगे तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। किंतु सुनिए, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है बड़े भैया, मैंने आपका भी क्या बिगाड़ा है, छोड़ दिया। क्या बिगाड़ा है ये तुम भी भली भांति जानते हो कृष्ण, कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। इसलिए आज मैं तुम्हारा ये मुख बिगाड़ूंगा। मुक्का नहीं। आपके हाथों में पंच तत्वों की शक्ति है, मेरा कोमल शरीर सह नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए मुझे। नीचे उतरो। नहीं, मैं कह रहा हूं नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, आप ऊपर मत आइए, आप ऊपर मत आइए ना। कृष्ण, अरे आपने नीचे बोला, मैं आ गया ना, अब आप ऊपर क्या करने गए। आइए, तुम वहीं रुको वहीं, मैं आता हूं। तुम्हें तो मैं राधा के पीछे से निकलो, मैं कह रहा हूं निकलो राधा के पीछे से, छोड़ो राधा को। कृष्ण, मेरे सब्र का बांध टूटा है। राधा तुम हटो ना बीच से। हट रही हूं ना, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जाओ। बड़े भैया क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्रोध में हृदय की गति बढ़ जाती है, स्वास्थ्य के लिए हानि। राधा समझाओ। आज तुम्हारा सारा परिहास भार निकलेगा, अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। नहीं, दाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से नहीं, बहुत शक्ति होती है, लग जाइए मुझे जोर से। लगी जोर से, लगता है प्रकृति भी चाहती है कि आप मुझे ना मारे, और मैंने तो सुना है उल्टे हाथ से तो और जोर से लगती है। अब तक कैसे इसे बच गया हूं, इसे लग जाएगी बहुत जोर से वास्तव में। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें तो मैं नहीं, बड़े भैया नहीं। लात मत मारना। नहीं।
व्यर्थ में अपने मित्र की ये दशा कर दी तुमने राधा, जो मेरे साथ टकराता है मुंह की ही खाता है। मुखिया जी, राधा तो इस दिशा में नहीं मिली, ना ही कृष्ण का कहीं कोई चिन्ह मिला। इस विशाल घने जंगल में कहां ढूंढेंगे उन्हें, कहां जा सकते हैं वे? राधा कृष्ण वन के उस भाग में भी तो हो सकते हैं। वहां? किंतु वहां तो कोई जाता नहीं है। वहां नदी के किनारे कुछ है, कुछ भयानक। संभवतः राधा कृष्ण इस गहन वन में अपना मार्ग भटक गए और उस दिशा में चले गए। ये संभव है? हाँ मित्र, हमें राधा को ढूंढने के लिए वहां जाना ही होगा। चलिए मित्र। से कुछ नहीं होगा राधा, चलो मेरे साथ, हम जाकर कोई सहायता लेके आते हैं। क्या अयन को यहाँ इस प्रकार इस अवस्था में इस घने वन में छोड़कर जाना उचित होगा? हाँ हाँ बिल्कुल उचित होगा। तुम भूल गई, ये अयन भैया हैं हमारे महाशक्तिशाली अयन भैया, सब संभाल लेंगे। जैसे ही इनकी मूर्छा टूटेगी ये स्वयं हमें आके ढूंढ लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। किंतु ये उठेगा कब? अब मुझसे द्वंद्व मोल लिया है तो कम से कम एक प्रहर से पहले तो ये उठना असंभव। न जाने वहां बरसाना में क्या कुछ हो गया होगा, पर अयन को यहाँ इस अवस्था में छोड़कर जा भी तो नहीं सकती। कब से दौड़ रही हूँ उस पर असहाय, न जाने क्यों चिंता करते समय मुझे इतनी भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो अपना प्रिय व्यंजन क्यों स्मरण में आता है? मन कर रहा है कहीं से खीर मिल जाए। भूख लगी है राधा।